मेरे दिल को आईना कर, मेरी चाहत में सब्र भर दे, मेरे अल्लाह हमें सिखा दे एहसास रिश्तों का। पता नहीं क्या बात है, तबीयत मेरी बिगड़ती ही जा रही है। तो आज आप छुट्टी क्यों नहीं कर लेते? क्या फायदा, छुट्टी कर भी लूं तब भी क्या फायदा, ये अखबार की ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, उससे तो छुट्टी नहीं मिल सकती आपको। और छुट्टी का मतलब समझते हो तुम? छुट्टी का मतलब है कि भाई काम से ही छुट्टी। चले, अल्लाह मालिक है। वैसे मेहनत में तो अजमत है ना। हाँ बेशक। अच्छा ये बताइए कि शाम को क्या पकता है? इसकी फिक्र आप मत करें, आपको तो पता है ना, आज तक ऐसी कोई चीज नहीं पकी जो आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो। वाह सुभान अल्लाह। कुबरा बेगम आप तो सीधी जन्नत में जाएंगी, इसलिए कि आप तो शौहर के दिल की बात फौरन समझ जाते। मैं तो सिर्फ वही करती हूँ जो मेरे मजहब का हुक्म है। हाँ भाई, हमें तो हसरत ही रहेगी कुबरा बेगम कि हम देखेंगे कभी गुस्से में आप लड़ते हुए कैसी लगती हैं। आपकी इस हसरत के लिए पेश की माजरत। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कुबरा बेगम कि अगर आप हमारी जिंदगी में ना होती तो क्या हमारी जिंदगी इतनी आसान होती? हरगिज़ नहीं। आपने वो बात नहीं सुनी, अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के लिए और बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए होती हैं। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसी तरह अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के लिए और बुरी औरतें भी अच्छे, मेरा मतलब है बुरे मर्दों के लिए। अब आप यहीं बैठे बैठे वक्त गुजार देंगे क्या? जाना नहीं है आपको? अरे नहीं नहीं हमें तो देर हो रही है, हम जा रहे हैं। जायद कहाँ रह गया? जायद आ जाओ भाई। आ रहा हूँ भाईजान। आया आया, दो मिनट में आ रहा हूँ। लीजिए आपकी चाय। हाँ थैंक यू। जिस तरह चाय दे रही हो ना, इस तरह दुआ भी दे दो कि काश काश आज है ना मेरा प्रमोशन लेटर रिलीज हो जाए। इस प्रमोशन से हमें कोई फायदा होगा? क्या फायदा? अजीब भोली औरत है भाई, तनख्वाह दुगनी हो जाएगी। ईमान से तनख्वाह दुगनी हो जाएगी? जी। तुम्हें दुआ करती हूँ, अल्लाह करे आज की बजाय अभी हो जाए। तनख्वाह दुगनी हो जाएगी तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। बेशक हो जाएंगे, और इन सब चीजों का सेहरा भाईजान के सर जाता है। क्यों, उन्होंने क्या किया है? पाला है मुझे बाप बन के, माँ बाप मर चुके थे समझी, और पाल पोस के बड़ा किया। पालने पोसने से लेकर जॉब तक सब कुछ उन्होंने मेरे लिए किया। क्या बात कर रही हो तुम? अरे तो उन्होंने कोई एहसान थोड़ी किया है, बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया है। हाँ हाँ, तो अब मेरा भी काम है कि छोटे भाई होने का भी फर्ज अदा कर दूं। अरे भाई जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम पीछे नहीं रहेंगे, आगे ही रहेंगे। अभी तक तुम भाईजान को पहचानी नहीं हो, तुम समझ रही हो कि भाईजान मुझसे और तुमसे अपनी किसी जरूरत के लिए कहेंगे। जब वो अपनी जुबान से बताएंगे नहीं उन्हें किस चीज की जरूरत है तो हमें कैसे पता चलेगा? जिस तरह से उन्हें पता चल जाता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, ईमानदारी से बताओ तुमने कभी अपनी किसी जरूरत का इजहार किया? हाँ ये तो है। बस चलो, बस भाईजान इंतजार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। ठीक है, ये चाय पी लेना बाकी। ये आपका टिफिन तैयार कर दिया है, अब याद से ले जाइएगा वरना हर रोज मुझे ही याद करवाना पड़ता है। अरे जब जहन में सौ सौ फिक्रें हों सोचे हों तो आदमी कुछ ना कुछ तो भूलेगा ना। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता, आप जितनी मेहनत करते हैं उस बात का एहसास है मुझे। अरे बेगम ये तो मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ। अच्छा बच्चे चले गए स्कूल? हाँ, अब फीसों की भी फिक्र आप ही को करनी है। अगले महीने नाजिया के फाइनल एग्जाम है, इसके लिए भी। हाँ हाँ उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे अल्लाह ताला ने हर मुकाम पे हमारी मदद की है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हमें अकेला छोड़ दे। अरे हाँ याद आया, आज तो जाहिद का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। क्या क्या कर दिया मेरे जाहिद ने? भाई जाहिद ने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है हुकूमत ने किया है।
या अल्लाह खैर, ये कैसी खबरें सुना रहे हैं आप? बात हुकूमत तक पहुंच गई? हाँ। क्यों आप मेरा दिल दहला रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई है? क्या बात है भाभी, दिल क्यों दहल रहा है आपका? वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बात ना हुकूमत तक पहुंच गई है। जी भाभी, अल्लाह का बड़ा करम है और भाईजान की मेहरबानी है कि बात हुकूमत तक पहुंच गई है। ये बड़ी बात हो गई और तुम मुस्कुरा रहे हो। अरे भाभी, बात ही मुस्कुराने की है भाभी, दरअसल आज जाहिद के प्रमोशन होने का इम्कान है। याला, याला, तेरा शुक्र है। अरे तो ऐसे कहो ना, तुम लोगों ने तो दिल हिला के रख दिया मेरा। मेरा बच्चा जीता रहे, अल्लाह ताला तुझे और तरक्की दे। आमीन। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा भाई, ये मुबारकबाद शाम को देना मिठाई के साथ, अब हमें देर हो रही है, दफ्तर जाना है। सही है। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज़, दुआएं दीजिएगा मुझे और तुम मिठाई मंगवा जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या नसीब, सच में तुम लोगों ने हिला दिया मुझे, इनका पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र। आओ मियां, आओ आओ। भाईजान ये क्या है? टायर, ये पंक्चर है टायर। अरे यार, ये तो बड़ा बुरा हुआ। फिर तो बहुत देर हो जाएगी। तुम यूं करो, तुम वैन से चले जाओ, मैं इसका पंचर बनवा के फिर आता हूँ। तो आप भी मेरे साथ चले चले, मैं बाद में बनवा लेंगे ना। नहीं नहीं, इसका पंचर मैं बनवा लूँगा, तुम जाओ वैन से, देर हो जाएगी वरना। मगर बात सुनो, मेरी एक नसीहत याद रखना अमीश, ये जो तरक्की होती है ना बेटा, ये दरअसल इंसान का इम्तहान होती है कि वो कितना साबित कदम साबित होता है। जानता हूँ भाईजान, सब जानता हूँ, और आप बेफिक्र हो जाएं, आपका छोटा भाई आपको कभी मायूस नहीं करेगा। मुझे उम्मीद यही है बेटा, अल्लाह भला करे हमारे डायरेक्टर साहब का, उन्होंने मेरी बात का मान रखा और तुम्हारे लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। भाईजान मुझे पता है वो आपसे बहुत मुतासर है और आपकी कोई बात नहीं टालते। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी उनका उतना ही एहतराम करो और उन्हें ऐसे ही मुतासर करो। इंशाल्लाह, मैं उन्हें भी मुतासर करूँगा, आप देखिएगा तो सही। बहुत अच्छा। अच्छा मियाँ, फिर मिलते हैं दफ्तर में। मैं पहुँचा देता हूँ ना। नहीं मैं, मैं, मैं नहीं नहीं मैं जाता, पंक्चर की दुकान पर तो पहुँचा दूँ भाईजान। बेटा जाओ, तुम जाओ। ओहो नसीम, नसीम, अरे कहाँ हो? जी भाभी। नसीम तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ ताकि फिर हम बाजार जाएं। नहीं भाभी, मुझे बाजार जाके क्या करना है, आपके पीछे पीछे तो फिरती रहती हूँ, अभी इतनी गर्मी है भाई, मैं नहीं जा रही। अरे भाई, हो सकता है तुम्हें कुछ याद आ जाए, कुछ पसंद आ जाए तो तुम भी ले लेना। ओफो भाभी, आपको जो ठीक लगे वो ले आइएगा। चलो ठीक है, फिर मैं काशिफ या इमरान को साथ ले जाती हूँ। हाँ ये ठीक है। अरे भाभी याद आया, वो फालूदा और कस्टर्ड लेते आइएगा। हाँ हाँ जरूर, इसीलिए तो तुमसे कह रही थी कि तुम्हें कुछ ना कुछ याद जरूर आ जाएगा। भाभी अब इन दो चीजों के लिए तो मैं आपके साथ बाजार नहीं जा सकती ना, आप समझ रही है ना? मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। भाभी आपको बुरा तो नहीं लगा? आज तक कभी बुरा लगा है? अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम घर को संभालो, मैं बाजारों कराती हूँ। भाभी भाई जितना मुझसे काम होगा इतना ही करूंगी। अच्छा बाबा, जितना काम हो सके कर लेना, बाकी नाजिया को बता देना। कहाँ ये इमरान और काशिफ? काशिफ, इमरान, तुम्हें पता है तुमसे मिलने के लिए मुझे कितने बहाने बनाने पड़ते हैं? कितने कहाँ, एक ही बहाना बनाया होगा कि अपनी दोस्त कुलसुम के घर जा रही हो। बहाना तो है ना, और तुम तो जब चाहे घर से बाहर निकल सकते हो। और तुम्हें पता है आज मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी, इसलिए मैं अम्मी के साथ मार्केट नहीं गई, और तुम तो जानते हो। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि घर वालों से छुप के मुझे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। और अगर घर वालों को पता लग गया तो क्या होगा, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? हम एक दूसरे के मंगेतर हैं, हमारी शादी होने वाली है। होने वाली है ना, हुई तो नहीं है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि अम्मी मुझसे कह रही थी कि जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना तो बब्बू से बात करके बात को आगे बढ़ाएंगे। और अगले 10 साल तक अगर मेरी जॉब नहीं होती फिर? तभी मैं इंतजार कर लूंगी। यानी मेरे घर नहीं आऊंगी? अरे कौन सा घर, हम सब तो एक मुश्तरका घर में रहते हैं।
चाहती थी तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने एक दो जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, इंशाल्लाह जल्दी ऑफर आ जाएगी। हाँ, और तुम्हें पता है मैं नमाज में हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हारी जॉब जल्द से जल्द लगवा दे। अपनी अम्मी अब्बू से इतना तंग आ गई हो क्या? ज्यादा जल्दी में लग रही हो। बकवास बंद करो तुम अपनी, वरना सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। सर फोड़ दोगी तो सोच लो, फटे हुए सर वाला शौर मिलेगा फिर तुम्हें। तुम भी ना खाओ। तुम्हें पता है यहाँ के मशहूर गोलगप्पे हैं ये। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ जाहिद अली, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। गुड न्यूज? कौन सी? भाई तुम्हारी प्रमोशन हो गई है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा किसी। तुमको भी बहुत बहुत मुबारक हो शाहिद अली। किस बात की सर? भाई तुम्हारे भाई की प्रमोशन हो गई है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर। अल्लाह का शुक्र मुबारक हो बेटा। भाईजान सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ। और हाँ जाहिर है, इस बात को कभी मत भूलना कि ये सब तुम्हारे बड़े भाई की दुआओं और मेहनत का समय है। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं भाईजान? अरे पगले से शुक्रिया की क्या बात है बेटा, देखो अब और मेहनत और लगन से काम करना पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ। ये जो हराम और बेईमानी होती है ना, ये किसी हद तक तो इंसान के साथ चल सकती है बेटा, लेकिन फिर एक ऐसे दोहराए पर लाकर पटकती है कि अगर आप पिछला सारा हिसाब बराबर कर दें। बिल्कुल ठीक शायद। और हाँ जाहिर, अपने बड़े भाई की इस नसीहत को अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि इसी में तुम्हारी तरक्की का राज छुपा है। ये ले वसीम भाई। और ये बताइए आज आप खाने में क्या खाएंगे? सब खैरियत तो है? आज हमारी बहन बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ वो तो मैं हूँ। तो कोई लॉटरी शॉटरी निकल आई क्या? वसीम भाई लॉटरी ही समझिए, कुदरत अचानक हम पे मेहरबान हो गई है। अरे भाई नसीम तुम अकेली ही खुश हो रही हो और हमें पता ही नहीं। वसीम भाई मैं आपको बताने ही वाली थी, असर हालात का मूड देखना चाह रही थी। तो जल्दी बताओ, तुम्हारी इन बातों ने मेरे दिल में वसवसे पैदा कर दिए। वसवसे वाली बात कोई नहीं है। तो फिर क्या बात है? बस कुदरत हम पे अचानक मेहरबान हो गई है, साहिद की तरक्की हो गई है। अरे वाह, इतनी बड़ी खबर तुमने हमसे छुपा के रखी हुई है। मैं क्यों छुपाऊंगी? तुम्हें नहीं पता नसीम, तुम्हारी इन बातों ने मेरे दिल में कैसी फुलझड़ियां छोड़ दी। वो कैसे? अरे भाई बहन खुशहाल हो, एक भाई के लिए इससे बढ़कर और क्या है। अम्मी मुझे रोटी चाहिए, अम्मी मुझे रोटी चाहिए। क्या हो गया बेटा? मिर्च खा गया। क्या देखकर खाना खाया करो। सुना ताई अम्मी ने क्या कहा, देखकर खाया करो। किसे? मुझे और किसे? नसीम क्या हो गया तुम्हें, किन सोचों में घूमो? अरे अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा, खाना तो खाओ। जी भाभी बस यूं ही। लगता है कि अम्मी अभी से ही शेख चिल्ली की तरह पुलाव पकाने लगी हैं। पुलाव? आज खाने में हमने पुलाव तो नहीं बनाया। क्या हो गया तुम लोगों को, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो इमरान भाई ने जोक सुनाया था इसीलिए हंस रहे हैं। चुप करो तुम, और खाना खाते में बातें नहीं करते। शुट।
नहीं नहीं यार भाई नहीं, आप समझ नहीं रहे, नया बना के भेजें। हाँ नया बना के भेजेंगे तो मैं, वो पुराने वाले साफ करते होंगे, मैं नहीं करता भाई। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर आप ये फाइल देख लें, इस पर सिर्फ आप अपनी चुड़िया बैठा दें। चुड़ी, बाकी काम मेरा है। चुड़िया समझा ना? अरे सर इसमें समझने की कौन सी बात है, बस सिर्फ वही करना है जो आजकल ऑफिसों में हो रहा है। फाइल देखो। क्या है इसकी तो हम इजाजत नहीं दे सकते बगैर कानून। अरे सर जिनकी ये फाइल है वो इसके बदले में हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। रिश्वत? अरे नहीं सर, रिश्वत तो पहले होती थी, आजकल तो ये हक कहलाता है। अच्छा मतलब मुझे समझाओ, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस फाइल पर साइन कर दूं, जैसे तुम चिड़िया बिठाने की बात कर रहे हो, तो तुम्हारी और मेरी जेब में माल आ जाएगा। ये हुई ना बात, आप समझे ना सर आप। उठाओ इसे, उठाओ, मुझे भी दूसरे अफसरों की तरह समझ रखा है। और अब अगर आइंदा इस तरह का काम लेकर आए ना तो अपनी सीट पर नहीं रहोगे तुम, समझे? मैं तो समझ रहा हूं सर, पर आप आओ। हाँ एक बात बताना भूल गया आपको, बेरी पर पत्थर आना शुरू हो गए भाईजान। बेरी पर पत्थर? क्या मतलब? अरे एक साइन कराने के लिए लोग हजारों रुपए देने को तैयार। और तुम साइन कर रहे हो? नहीं भाईजान, आप कैसे ऐसा सोच रहे? मैं अपने बच्चों को हराम का लुकमा खिलाऊंगा? इतना अरसा हो गया मुलाजमत करते हुए और अब बेईमानी भी करूंगा तो यही सुनूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद, लेकिन जायद अब तुम्हारे पास पोस्ट है और ये जो बड़ी पोस्टें होती है ना ये दलदल की तरह होती है, दलदल की तरह। जो इंसान इसमें तैरने की कोशिश करता है ना वो और धंसता चला जाता है। हाँ लेकिन भाईजान आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके एतमाद को इतनी सी भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जायद। बाबा जान के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद मैंने तुम्हारी तालीम तरबियत बिल्कुल ऐसे की है जैसे अपने सगी औलाद की जाती। बिल्कुल भाईजान, मुझे एक एक लम्हा याद है कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया, क्या क्या किया। मुझे पाला पोसा, परवान चढ़ाया, पढ़ाया, उसके बाद अपने डायरेक्टर से कहकर जॉब दिलवाई, फिर मेरी शादी कर दी, क्या क्या किया आपने, और आज मैं एक बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा हूं। लेकिन मेरे भाई किसी अमल को खुद को ऐसा न समझता कभी। अल्लाह आप जैसा भाई सबको दे, सबको दे। आपने खानदान को एक रखने के लिए बड़ी मेहनत की। मैंने सी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो अपने शौहर की तरक्की। खैर मुबारक भाईजान को, भाईजान को। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। अरे मेहरबानी कैसी भाई, अपने अपनों पर कोई मेहरबानी नहीं करते, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हम सब पर फर्ज है। ना 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 भाईजान, मैं बिल्कुल हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी भाई। अब तुम ना बदल जाना बस। अभी इतना बड़ी तौबा कर रहा हूँ, अरे भाई आपने मुझे माँ बन के पाला है, भला कोई अपनी माँ से भी बदलता। वैसे जायद ये दुनिया है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी बदल सकता है। क्यों नसीम तुम्हारा क्या ख्याल है? जी भाभी मैंने ठीक से सुना नहीं। क्यों भाई जाहिद, संभालो अपनी बेगम को, पता नहीं सुबह से क्या सूंघ लिया कि अपने हवासों में ही नहीं। क्या हुआ नसीम, खैरियत? जी कुछ तबीयत अजीब सी हो रही है। तो डॉक्टर के चले? अरे मिठाई तो खाओ तुम। ये लीजिए। अल्लाह थक गया भाई आज ऑफिस के काम से, बल्कि आज तो
ऑफिस में एक अजीब बात हुई है। क्या हो गया था? मैं तो पहले ही जानती थी दुश्मनों से हमारी तरक्की नहीं देखी जाएगी। अरे क्या ऑल फॉल बक रही हो भाई, है? कोई मेरी तरक्की से क्यों चलेगा? अच्छा तो बताएं क्यों अजीब बात हुई। है? ये क्या कह रहे हैं? लाए दे वो पैसे, कहाँ है? दिमाग खराब हो गया? मैं रिश्वत के पैसे लूंगा? वो रिश्वत थी और क्या, जिसे आजकल वो लोग कहते हैं नजराना, गिफ्ट, मिठाई शिठाई, पानी चाय, ये इस तरह के नाम देते हैं। पैसे वो कितने दे रहा था? पैसे 5,000। एक दस्तखत के 5,000? हाँ, लेकिन चक्कर ये था, मैंने ये सोचा कि मैं इससे 5,000 लेके तो दस्तखत कर दूंगा फाइल पर, लेकिन सरकारी खजाने को उससे जो 5,00,000 का नुकसान पहुंचेगा उसका कौन जिम्मेदार? थैला कहाँ चला गया? कहाँ गया ये थैला? अरे भाई कुबरा बेगम, कुबरा जी आई, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप? भाई वो मेरे अखबारों का थैला नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अरे वो तो मैला हो गया था तो मैंने धो दिया, शायद कपड़ों के साथ अंदर रख दिया होगा, मैं भी लेकर आया। अच्छा अच्छा, ये लीजिए आपका थैला। मेरा नहीं, अखबारों का। मेरा भी वही मतलब था। वैसे देखो मैं सोच ही रहा था कि तुमसे कहूं कि इसे धो लो। आपके कहने से पहले ही धो दिया मैंने। बहुत अच्छे, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम हर वो काम जो मैं सोचता हूं तुम कर गुजरती हो। बरसों का साथ है, अब तो आपकी एक एक हरकत से मुझे पता चल जाता है कि आपको किस वक्त में क्या चाहिए। हाँ सही कहा तुमने, मगर ये खूबियां बहुत कम औरतों में होती है। हालांकि ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। हाँ है तो बहुत आसान काम, लेकिन आजकल की औरतें सोचती हैं कौन खपाए अपना मगज ऐसी फजूल कामों में। अल्लाह और रसूल की खुशनुदी भी तो इसी में ही है कि बीवियों को जो हुक्म दिया गया है वो उस पर अमल दरामद करें। सिर्फ बीवियों को नहीं, शौहरों को भी हुक्म दिया गया है और उनके भी कुछ मखसूस फराइज हैं जो उन्हें पूरा करना चाहिए। अच्छा भाई बाकी बातें फिर करेंगे, अखबार बांटने में देर हो रही है। अच्छा मेरे दिल को आईना कर, मेरी चाहत में सब्र भर दे, मेरी चाहत में सब्र भर दे, ये यकीन मुझे अता कर, मेरा तुझ पे आसरा है, यहाँ कौन हुआ का खेल ऐसा जिंदगी का, मेरे अल्लाह हमें सिखा दे एहसास रिश्तों का। मेरे दिल को आईना कर। काशिफ, काशिफ बेटा तुम कितनी देर कर रहे हो, हमेशा तुम्हारी वजह से देर होती है। मेरी वजह से कहाँ देर होती है, स्मूटी की वजह से देर होती है। अम्मी बुरी बात, अम्मी आप हमें वैन लगवा देना, फिर ऐसे कभी देर नहीं होगी। हाँ बेटा वैन भी लग जाएगी, अभी थोड़ा सा इंतजार करो, लो रखो रखो जल्दी। आप हमेशा यही कहती हैं थोड़ा सा इंतजार करो। अच्छा वो तुमने अपना ज्योमेट्री बॉक्स रख लिया था ना? जी रख लिया।
जाओ जाओ जल्दी जाओ शाबाश जल्दी करो जल्दी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो बहन को ध्यान से लेके जाना। सुना ताई अम्मी ने क्या कहा? देख कर खाया कर। मुझे और किसे? नाजिया बेटा, नाजिया किस सोच में हो? नाजिया जी, जी अम्मी। बेटा क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। ये लो, मैं इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, तुम मेरी आवाज नहीं सुन रही हो और अब कह रही हो कि कुछ नहीं। कुछ भी नहीं अम्मी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इमरान के बारे में सोच रही थी ना। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो मेरी बच्ची को बहुत खुश रखेगा। बाकी अम्मी बहुत अच्छा है। हैं हैं हैं? अरे मेरे ही सामने ऐसे मुंह फाड़ के मंगेतर की तारीफ कर रही हो? अब हाँ तो क्या हो गया अम्मी, वो मेरा कजन भी तो है ना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब बस मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारे हाथ जल्द से जल्द पीले हो जाए। अच्छा तो आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं? हाँ, घर से कहाँ निकलोगी? एक कमरे से निकलोगी और दूसरे कमरे में चली जाओगी। लेकिन अम्मी। लेकिन क्या बेटा? अम्मी क्या आपको नहीं लगता कि इस लिहाज से ये घर बहुत छोटा है? हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। कौन है? अरे मेरे दोनों भाई मेरे गरीब खाने पे, ये तो कमाल हो गया। अरे गरीब खाना तो ये पहले था, अब तो ये अमीर खाना बनने वाला है। आपके मुंह में घी शक्कर मेरे भाई। अरे नसीम क्या कर रही हो? अरे ऐसी दुआएं तो मत दो। क्यों? अरे तुम्हें तो पता है ना कि वसीम भाई को एक तो कोलेस्ट्रॉल ऊपर से शुगर। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताएं आप लोग कैसे आए? अजीम तो एक बात बता, ये घर तुझे किसी भी एंगल से किसी अफसर का लगता है? नहीं भाई, मुझे तो इस घर का हुलिया देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नायब कासिद के गरीब खाने में बैठे। आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। यार अजीब तू ही समझा। देख नसीम, जो अफसर होता है ना वो अपने दफ्तर में भी अफसर नजर आना चाहिए और उसका घर भी अफसरों वाला नजर आना चाहिए। अगर ये सब कैसे होगा? अरे भाई अपना रहन सहन बदलो, अच्छे कपड़े बनाओ, अच्छी गाड़ी लो, अच्छा घर खरीदो बस। हाँ अरे वसीम भाई आप तो मुझे ख्वाब दिखा रहे हैं। वसीम भाई ये ख्वाब हकीकत बन सकते हैं, बस जाहिद भाई थोड़ी सी हिम्मत कर ले, फिर देखो तुम्हारे घर में कैसा हुन बरसता है। बिल्कुल सही बात कर रहा है, ठीक कह रहा है। अच्छा सुनो, जाओ अच्छी चाय बना के लाओ, उठो। अभी लाती जल्दी। अरे वसीम कैसे आना हुआ? अब ये नहीं कहते ना कि भाई यहाँ से गुजर रहा था कहीं से, तो मैंने सोचा कि मिलता चलूं। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा हाँ तो बताओ भाई क्या बात है, सब खैरियत है ना? अल्लाह का करम है, मगर मगर क्या? मगर ये कि करम तो आप पर भी हो रहा है मगर आप उसे टुकरा रहे। समझा नहीं तुम कहना क्या चाह रहे?
तैयबे कल मेरी नसीम से बात हुई, उसे मुझे बताया आपकी बेवकूफियों के बारे में। भाई ऐसी क्या मैंने गलती कर दी है कि बहन ने भाई से शिकायत कर दी? नहीं नहीं, इसे शिकायत तो नहीं कहेंगे। तो फिर भाई खुलकर कहो ना, क्या मसला है? बस यही कि आपने घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। ओह यू टू ब्रूटस। देखो वसीम, तुम खुद सोचो यार, मैंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को हराम का लुकमा नहीं खिलाया, तो फिर? अरे जायद भाई, आजकल हलाल बचा ही क्या है? आप जो गोश्त खाते हैं वो हलाल है? हैं? ये जो बैंक से लेन देन करते हैं ये हलाल है? और दीगर मामलात है जिनका हमारी जिंदगी से बराह रास्त ताल्लुक है, जायद भाई आप कहाँ हराम हलाल के चक्करों में पड़ गए? तो सही है लेकिन दिल नहीं मानता यार। हाँ तो ठीक है, जिस तरह आपने अपनी सारी जिंदगी एक क्वार्टर में गुजार दी, आपके बच्चे भी गुजार देंगे। मगर आपने सोचा है कि आपके बच्चे क्या सोचेंगे? कि आपको एक मौका मिला था और आपने गवा दिया, कुछ नहीं किया उनके लिए? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे भाई जो है शाहिद भाई, उनकी तरबियत की वजह से। शाहिद भाई की तो बात आप छोड़ ही दें, वो तो अपनी तर्ज के अनोखे अल्लाह वाले हैं। उनकी जिंदगी उनकी और आपकी जिंदगी आपकी। शाहिद भाई, क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे घर में रहे, आपकी बीवी जेवर पहने, अच्छे कपड़े पहने? सोचें इस बारे में कुछ। हाँ नसीम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, सब खैरियत है ना? खैरियत है भी और नहीं भी। क्यों, क्या हुआ? जाहिद को एक फाइल पे साइन करने के 5,000 रुपए मिल रहे थे। क्या, एक साइन के 5,000 रुपए? वाह भाई वाह, तुम्हारी तो चांदी हो गई। अरे कहाँ चांदी, यहाँ तो ना पीतल हुआ ना तांबा। क्या मतलब? जाहिद ने रिश्वत लेने से साफ इनकार कर दिया। अरे अरे अरे, अरे क्या कह रही हो, हाथ आए पैसे लेने से इनकार कर दिया? हाँ, कहते रिश्वत हराम है। अरे आजकल हलाल क्या है नसीम, माफ करना नसीम, मैं तो दूल्हा भाई को बेवकूफी कहूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप और वसीम भाई आकर इनको समझाएं। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, और फिर मेरे पास ये हथौड़ा मार जो मोबाइल है, इससे भी जान छूट जाएगी और कोई अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा मुझे। जाहिर है नसीम, जिस इंसान के पास स्मार्टफोन ना हो वो क्या खाक स्मार्ट होगा? अच्छा ठीक, अल्लाह हाफिज़। भाभी, 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 क्या हो गया नसीम? भाभी देखे ना, चमन को क्या हो गया? क्या हो गया इसको? अरे इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। जी भाभी, मैंने इसको ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी लेकिन बुखार में कोई कमी नहीं आ रही। अरे तो चलो इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। लेकिन भाभी। लेकिन क्या? लेकिन भाभी मेरे पास पैसे नहीं है। हसीम, इस वक्त पैसों की कहां बात आ रही है? भाभी डॉक्टर की फीस और भी मुझे दवाइयां लिख देगा, मैं कहां से दूंगी? मेरे पास पैसे नहीं। मत करो, सब हो जाएगा। कैसे होगा भाभी? तुम जिब्रान को उठाओ, मैं अभी कुछ इंतजाम करके आती हूँ। तुम उठाओ उठाओ इसे। ठीक, हिम्मत करो। समझ तो रहा हूँ यार। देखो दुल्हा भाई, अगर मैंने आपसे कोई गलत बात की है तो बोले आप। नहीं, गलत तो नहीं कह रहे हो तुम, लेकिन
सोच रहा हूँ कि अपने जमीर को कैसे सुलाऊं। अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, ये जमीर शमीर ना दुल्हे भाई, ये सब किताबी बातें हैं। हकीकत का एहसास करें, हकीकत का। इंसान को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। सोचता तो हूँ, ख्वाब भी देखता हूँ उसके। अरे दुल्हा भाई, ख्वाब की बातें छोड़ें, हकीकत का एहसास करें, हकीकत का। लेकिन यार, मेरे बाप की तरह शाहिद भाई, अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? तो क्या चाहते हैं आप कि सारी जिंदगी आपकी औलाद उनके एहसानों को तौक अपने गले में डाल घूमती रहे? अरे दुल्हा भाई, अपना नहीं तो अपने बच्चों का सोच लें, क्या फायदा मेरे समझाने का? अरे मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। अच्छा चलो, कोशिश करता हूं। अरे दूल्हा भाई, कोशिश नहीं कर गुजरे, रास्ते खुद ब खुद खुलते चले आएंगे। ठीक है, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि तुम काम करते करते थक गई होगी, थोड़ा तुम्हारा हाथ ही बटा दूं। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाके बैठो। मैंने कहा अंदर जाओ। अरे अजीब इंसान, अपने मंगेतर को डांट के भगा रही हो। अरे जाओ ना, किसी ने देख लिया तो? तो क्या, हम शुरू से ही एक साथ रहे हैं। पहले की बात कुछ और थी, मगर अब हमारा रिश्ता कुछ और हो गया है। हाँ, अब हमारा रिश्ता और गहरा हो गया है, जिसको देखने देख ली। मैं किसी से नहीं डरता। चाचा जान ने देख लिया तो हम दोनों की क्लास हो जाएगी। फिक्र मत करो, उन्हें बोलने के अलावा आता ही क्या है। मिस्टर, तुम मेरी होने वाली सास के बारे में मेरे सामने बुराई नहीं कर सकते। अरे बुराई नहीं कर रहा, वो भी बता रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं क्यों किसी से डरने लगा? आप सोच लो। इसमें सोचने की क्या बात है? अम्मी आप, मैं तुम्हें देख लूंगा। देख लेना। बहादुर खान, क्या बात है जाहिद, ये दोनों भाई आजकल बड़ा आना जाना कर रहे हैं, खैरियत तो है? बताने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही मिलने आ जाते हैं। अच्छा, मैं समझा शायद कोई मसला है। हाँ मसला है भाईजान, मसला है। अरे घर का मसला है तो बताओ तो सही, क्या है आखिर? वो वसीम अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कुछ परेशान है। तो इसमें ऐसी कौन सी परेशानी की बात है? यही कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा भाईजान। हाँ ये तो आजकल का सबसे बड़ा मसला है, अच्छा रिश्ता नहीं मिला करता। सबसे बड़ा मसला तो पैसा है भाईजान, पैसा है। क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं।
देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं के मेरी एक एक हरकत को तुम पहले समझ जाती हो, ये कहना चाह रही हो ना? बिल्कुल, इसीलिए आप मुझसे कोई बात छुपा नहीं सकते। छुपाएंगे भी नहीं। तो फिर क्या बात है? बात तो कोई खास है नहीं, लेकिन 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 क्या? वो अजीम और वसीम आए थे आज ऑफिस जायद से मिलने। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है भाई? वो उसकी बीवी के भाई हैं, कभी भी कहीं भी मिलने आ सकते हैं। हाँ मिल तो सकते हैं वो, लेकिन इससे पहले तो कभी उन्होंने जायद को ऐसी अहमियत नहीं दी। आप अपना दिल हल्का मत करें, जरूर वो जायद को तरक्की की मुबारकबाद देने के लिए आए होंगे। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन कुबरा इन दोनों भाइयों की जो फितरत है ना, बस उसने मुझे परेशान कर रखा है। आप खामा खां का वहम पाल रहे हैं। कुबरा जायद की जो फितरत है ना, वो बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाता है, और अब वो जिस ओहदे पर है उससे कोई भी कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। लेकिन हमारा जाहिद ऐसा नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो कभी भी किसी नाजायज काम में हाथ नहीं डालेगा। हाँ वो ऐसा है तो नहीं, लेकिन ये दुनिया है और इस दुनिया की रंगीनियां किसी का भी ईमान डगमगा सकती है। हाँ बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। सुबह आपको जाना भी है, आराम करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? अरे वही जो वसीम भाई अजीम भाई ने कहा था। बता तो चुका हूँ कि घर में सुकून रखने के लिए घर वालों की बात माननी पड़ती है। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कहीं दोबारा आप पे शाहिद भाई का असर ना चढ़ जाए। जब एक काम की ठान ली तो ठान ली, अब पीछे क्या हट?